और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के नवादा जिले में एक आश्रम के अंदर 3 साध्वियों से रेप का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा न्यूज रूम से। ज्योति जी हाँ, बिल्कुल, जैसे ही आपने बताया मांद्रा कि 3 साध्वियों के साथ रेप का मामला, ये दरअसल संत कुटीर आश्रम है नवादा का, जो की गोविंदपुर इलाके में है। यहाँ पर इन 3 साध्वियों ने आरोप लगाया है कि आश्रम में रहने वाले सेवादारों ने ही उनके साथ रेप किया है। दरअसल उन्होंने जो अपनी आपबीती सुनाई है उसमें ये कहा है कि हथियार के बल पर सेवादार उनके साथ रेप किया करते थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, कोर्ट में इन लोगों का बयान भी दर्ज हो गया है और इनके मेडिकल के लिए इन्हें सदर अस्पताल भेजा गया है। और बड़ी जानकारी तो यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अब से 6 साल पहले भी संत कुटीर आश्रम पर इस तरह के आरोप लगे थे और ये आरोप लगने के बाद जो वहां के बाबा है उन्होंने आश्रम बदल लिया था। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जो संत कुटीर आश्रम में हुई है। रेप का आरोप यहाँ की 3 साध्वियों ने 10 सेवादारों पर लगाया है। इन साध्वियों ने 5 नामजद और 5 अज्ञात लोगों पर अब 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना, बिल्कुल थाने की घटना है। एक बहियारा आश्रम है, उसमें कुछ साध्वी हैं और कुछ साधक हैं। तो साध्वियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनका यौन प्रताड़ना किया गया है, इस पर प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। तो बिहार के एक आश्रम से ये बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। 3 साध्वियों ने 5 नामजद और 5 अज्ञात लोगों पर रेप का केस दर्ज कराया है। आपको बता दें 6 साल पहले भी संत कुटीर आश्रम पर इसी तरह का आरोप लगा था। एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, सबसे पहले तो इस आश्रम के बारे में बताएं, कौन चला रहा है ये आश्रम और कब से ये सब कुछ वहां पर चल रहा था? अमांद्रा, ये आश्रम बाबा सच्चिदानंद का बताया जा रहा है, वही सच्चिदानंद जिनके ऊपर पिछले महीने यूपी के बस्ती में भी एक इसी तरह का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें वो खुद नामजद थे और उसके बाद से वो लगातार फरार चल रहे हैं। यूपी के बस्ती में भी इनका संत कुटीर नाम से आश्रम चलता था और 4 साध्वियों ने पिछले महीने, ये तकरीबन उसी समय का मामला है जिस समय का मामला ये बिहार का है, उस समय 4 साध्वियों ने बाबा समेत 4 लोगों पर जबरदस्ती बंधक बनाकर रखने, रेप के और लूटपाट का मामला दर्ज कराया था और तब से ही बाबा फरार चल रहे हैं। ये आश्रम जो बिहार के नवादा जिले में है, ये आश्रम भी 6 साल पहले सवालों के घेरे में आ चुका है। तब भी साध्वियों ने इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बाबा ने अपना आश्रम चेंज किया था। बताया ये भी जा रहा है कि सच्चिदानंद लगातार नाम बदलने में माहिर हैं। फिलहाल यूपी पुलिस और बिहार पुलिस दोनों सवालों के घेरे में है, क्योंकि पिछले महीने मामला सामने आने के बाद यूपी के बस्ती में अभी तक पुलिस बाबा सच्चिदानंद और उनके सहयोगी जो थे उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 6 साल पहले का मामला जो खुद बिहार के नवादा जिले में था, उसमें भी बाबा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक अहम सवाल, क्योंकि अभी जो मामला हुआ है ये पिछले महीने 12 दिसंबर का है, लेकिन उसमें जो FIR हुई है वो इस साल 4 जनवरी को हुई है, लेकिन अभी तक कल जाकर जो साध्वियां थी उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की जो मुस्तैदी है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह ये बाबा लगातार नाम बदलकर, ठिकाने बदलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन यूपी और बिहार पुलिस दोनों ही कुछ नहीं कर पा रही है मांद्रा। जी उत्कर्ष, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो ये ताजा मामला आया है 3 साध्वियों वाला, क्या इसमें भी बाबा सच्चिदानंद आरोपी है? नहीं अमांद्रा, फिलहाल जो ये मामला आया है इसमें बाबा के सेवादारों का नाम सामने आया। हालांकि जो 5 अज्ञात लोगों के नाम है उनमें बाबा शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो 5 नाम है उनमें बाबा का नाम शामिल नहीं है, वो 5 सेवादार हैं। लेकिन सवाल बाबा पर ही खड़े होंगे, क्योंकि बाबा का ये आश्रम है, बाबा के सेवादार है और जिस तरह की घटनाएं लगातार इस संत कुटीर आश्रम में हो रही हैं उससे बाबा ही सवालों के घेरे में है। बाबा के आश्रम दिल्ली, मुंबई, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में फैले हुए हैं मांडव। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।